इंडिया के को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, जी इतनी बड़ी मार्केट कोई भी नहीं नजरअंदाज कर सकता, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा रोल है, अमेरिका का हलीफ है, ट्रेड का मसला है, इन्वेस्टमेंट का मसला है। जो बाइडेन पाकिस्तान के हक में वो देखिए, वो फौरी तौर पे तो ट्रंप हमारे लिए बेहतर था कि अफगानिस्तान से निकल जाते, ये निकल जरा जाते, जरा कुछ स्लो समझ होगा, होता। लेकिन मैंने काफी गौर कर लिया, ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन हारून साहब, अगर दोनों में से हम किसी का अनाउंस नहीं कर रहे हैं ना कह रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही, दोनों में से कोई भी जीतता है तो उसकी पॉलिसी क्या होगी? ट्रंप को हमने 4 साल देखा, मगर कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपना एजेंडा वाजे नहीं किया। जो बाइडेन की पोजीशन और उनका माजी जो सबके बाइडेन सामने की है, उनकी पार्टी पोजीशन पॉलिसी। चीन के मामले में वही होगी, कंटेनमेंट की इंडिया से मिलके, मगर मोदी को एम्बेरसमेंट का सामना पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी इंसानी हकूक पर सेंसिटिव है। उसने बात कर दिया कश्मीर की भी जी और इंडियन मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसकी भी कर दिया, अकलीतों के साथ सलूक की भी। चीन के साथ पॉलिसी वही रहेगी, लहजा शाइस्ता रहेगा। अमेरिका में डेमोक्रेट्स बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ समझे जाते हैं जी जी ज्यादा, जी जी लेकिन इश्यूज अब ऐसे हैं, ह्यूमन राइट्स, जरूरत पाकिस्तान की आपड़ी है। जरूरत में क्या कहते हैं, गधे को भी बाप बुलाते हैं। पाकिस्तान गधा तो नहीं है, पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है। पाकिस्तान पर बाइडेन का रुख, डेमोक्रेटिक नीतियों के मुताबिक जो बाइडेन पाकिस्तान पर उतना सख्त रुख नहीं रखते हैं। इससे पहले जब डेमोक्रेटिक के बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भी पीएम मोदी से उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन 8 साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहने के बावजूद ओबामा ने पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदियों का शिकंजा नहीं कसा। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर वो डेमोक्रेट्स ओबामा ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को ढेर किया था। सरकार की कई नीतियों के साथ नहीं बाइडेन। जो बाइडेन मोदी सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं, सीएए और एनआरसी को लेकर बाइडेन उंगली उठा चुके हैं। बाइडेन की कश्मीर नीति उत्साहवर्धक नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से होती रहती है। कश्मीर को लेकर बाइडेन के रवैये को भारत के लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता। बाइडेन अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि कश्मीर पर मध्यस्थता की बात पर पीएम मोदी ने ट्रंप को भी साफ शब्दों में कह दिया था, ये आंतरिक मामला है। कारोबार को लेकर बाइडेन की भारत नीति। कारोबार को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की नीति अमेरिका फर्स्ट की है, ऐसे में कई लोगों को बाइडेन की नीतियों में फायदा कम नजर आता है। हालांकि जो बाइडेन कई बार भारत और अमेरिका के मिडिल क्लास को उठाने के लिए कारोबार पर जोर देने की बात करते रहे हैं। ट्रंप के H-1B वीजा रद्द करने के फैसले का भी बाइडेन ने विरोध किया था। H-1B वीजा रद्द होने से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को नुकसान हुआ है। चीन के मुद्दे पर भारत के साथ बाइडेन। ट्रंप की तरह बाइडेन भी चीन के विरोध में है। सीमा पर आक्रामकता का विरोध करने वाले बाइडेन चीन के मामले को रणनीतिक तौर पर सुलझाने की वकालत करते रहे हैं। बाइडेन समय समय पर भारत के समर्थन में बयान देते रहे हैं। बीते दिनों जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में गंदगी को लेकर टिप्पणी की थी तो जो बाइडेन ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। बाइडेन ने कहा था, हम भारत के साथ अपनी दोस्ती की कद्र करते हैं, अमेरिका आतंकवाद के मोर्चे पर भारत के साथ है, हम भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में ऐसी शांति की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें चीन या किसी और मुल्क से दूसरे पड़ोसी को खतरा न हो। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिस पार्टी से बाइडेन आते हैं उसी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौर में ही भारत पर पाबंदियां लगाई गई थी। साल था 1998, भारत में एनडीए सरकार थी और पाबंदी की वजह थी वाजपेयी सरकार का परमाणु परीक्षण का फैसला। ऐसे में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर भारत के लिए कई मुद्दों पर उतार चढ़ाव नजर आता है। कई मामलों में बाइडेन से भारत को लाभ मिलेगा तो कई मामलों में बाइडेन की नीतियां भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाइडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो भारत के लिए क्या लेकर आते हैं, क्योंकि इतिहास से ज्यादा वर्तमान महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप राष्ट्रपति पद के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान सूट करता है कि साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही अभी एक पावर होगा, यानी वो दूसरे लफ्जों में साउथ एशिया में भारत को बिल्डअप करना चाहते हैं। अब जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक इंडिया के साथ वो इररिट्रीवेबली कमिट हो चुके हैं अपने ताल्लुकात के अंदर। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ है भारत,
इसलिए मैंने सवाल पूछा कि पाकिस्तानी इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ के साथ कि कौन भारत को सपोर्ट करता है और कौन भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। पाकिस्तान की मैं साइकी की बात कर रही हूँ भारत को लेकर, क्योंकि भारत हमारा रिवायती हरीफ है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी आया, मसला कश्मीर भी आपके सामने है, लाइन ऑफ कंट्रोल की आए दिन खिलाफ वर्जी की जाती है, इस हवाले से मैं सवाल ये आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि भारत के साथ तो दोनों का लगाव हमसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं और अमेरिका के जो इस रीजन में इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान सूट करता है, क्योंकि वो जो चाइना को कंटेन करने के लिए जो उनकी पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है उसमें हिंदुस्तान किरदार अदा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान चाइना से अपनी राहें जुदा करने की पोजिशन में अब नहीं है। तो पाकिस्तान का चाइना के साथ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट कोइंसाइड करता है, जो पाकिस्तान उसको मेंटेन करेगा, किसी के कहने पे इस ताल्लुक को कतई नहीं करेगा, लिहाजा वो उनका झुकाव दोनों का दोनों सूरतों में हिंदुस्तान की तरफ ही रहेगा। एक चीज जो मुझे हमेशा खटकती है वो ये है कि जो पेंटागन में जब ये फैसला हुआ कि आप ये ट्रुप्स वापस लाने हैं तो पेंटागन इसके हक में नहीं थी, बिल्कुल ये अनवर इकबाल साहब भी इसके बारे में अपनी राय देंगे, पेंटागन का ये ख्याल था कि उनको फिलहाल वहां पर रखना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम थी कि आइए समझने की कोशिश करते हैं बाइडेन प्रशासन का भारत पर रुख कैसा रह सकता है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में परेशानी रहेगी चाहे सत्ता में कोई भी हो। ओबामा प्रशासन के दौरान भी नई दिल्ली और वाशिंगटन में एक क्षेत्र को लेकर तनातनी रहती थी। बाइडेन प्रशासन में भी भारत को व्यापार में कई खास छूट मिलने के आसार नहीं है। इसके अलावा बाइडेन का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अपना वर्शन भी है। H-1B वीजा के पुराने रूप में लौटाने की संभावना न के बराबर है। हालांकि इससे भारतीयों पर असर पड़ सकता है, लेकिन महामारी ने जिस तरह से रिमोट वर्किंग को बढ़ावा दिया है उससे वह असर कम होने की उम्मीद है। बाइडेन निश्चित रूप से अमेरिका को वापस पेरिस जलवायु समझौते का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन भारत कोयला इस्तेमाल को लेकर बाइडेन के सामने घिर सकता है। बाइडेन कैंपेन में इंडो पैसिफिक को लेकर रणनीति साफ नहीं की गई है, चूंकि यह इलाका भारतीय विदेश नीति के केंद्र में है, इसलिए इस पर नज़र रखनी ही पड़ेगी। बाइडेन प्रशासन भारत में मानवाधिकार उल्लंघन पर नज़र रख सकता है। इसके अलावा हिंदू बहुसंख्यवाद, जम्मू और कश्मीर का भी संज्ञान लिया जा सकता है। डेमोक्रेट से भरी कांग्रेस में भारत के खिलाफ ऐसी चीज़ों पर पैनी नज़र रख सकती है, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं, ऐसे में उसमें बदलाव कर पाना मुश्किल होगा। बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी ब्लिंकिन कह चुके हैं, हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत को साथ लिए नहीं लिपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी है जो उपराष्ट्रपति होंगी। वह नीतिगत मामलों में बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि बाइडेन इशारा कर चुके हैं कि वह एक कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रहेंगे।